हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे आधा कप गेहूं के आटे और आलू से बिल्कुल नए तरीके का टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता। और इस नाश्ते को बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ 10 मिनट में आप इतना टेस्टी मज़ेदार नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। और इस नाश्ते को किसी को भी बना करके खिलाएंगे। हर कोई आपसे यही पूछने वाला है कि आपने इस नाश्ते को कैसे बनाया। नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर आपको लेना एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। आलू को यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एकदम बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। इससे नाश्ता बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से आलू को बढ़िया सा हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आलू को हमने कद्दूकस करके यानी ग्रेट करके तैयार कर लिया। अब इसे एक बार बढ़िया सा पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि आलू का जो स्टार्च होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे आलू बढ़िया से क्लीन दिख रहे हैं। देखिए, तो अब आलू के लच्छे को पानी में ऐसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, आलू को मैंने इसे पानी से छान लिया है। तो अब इस आलू को क्या करेंगे, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आलू को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज इस्तेमाल किया, जिसे लंबे साइज़ में कट करना है। बारीक कटे हुए ग्रीन मिर्च ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च लिया है, वो भी एक मीडियम साइज़ का, और एकदम पतला पतला कट करके डालेगा। दो बड़ा चम्मच इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर सूजी। तो सूजी मैंने यहाँ पर सब्जियों में डाल दिया ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और मैं अब इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक, और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर सूजी नहीं है तो आप यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चावल का आटा आपको बाद में इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर सूजी पहले इसलिए डाल दी है ताकि सूजी अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए, बढ़िया सा फूल भी जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि सब्जियाँ बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाए और सूजी भी बढ़िया सा फूल जाए। तो बस इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए हमारी सब्जियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच से कम भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाला। और बस इन सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर तड़का। तड़के में मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया। एक आधा छोटा चम्मच राई, 1 चम्मच यहाँ पर चना दाल और 1 चम्मच यहाँ पर वाइट तिल डाल देंगे। बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। और बस ये लीजिए, तड़का बिल्कुल तैयार है। इस तड़के को यहाँ पर मिक्स में डाल देंगे नाश्ते के। तो तड़का डाल के ज़रूर बनाइएगा नाश्ते में। इससे नाश्ते में आपको एक अलग सा टेस्ट मिलेगा और नाश्ता आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और मैंने यहाँ पर तड़के का इस्तेमाल किया, इससे नाश्ता हमारा बहुत क्रिस्पी बन जाएगा, क्योंकि गरम तेल डालने से नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाता है। तो देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप गेहूँ का आटा। तो बस गेहूँ का आटा डालने के बाद बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते में आपको जो इंग्रेडिएंट बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल है, जिसे आप भी घर पे बिल्कुल ऐसे ही बना के तैयार कीजिए। इससे आपका नाश्ता बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड किया। और देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर नाश्ते का बैटर बन लीजिए, थिक सा, एकदम परफेक्ट। तो देखिए, नाश्ते का बैटर बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं नाश्ते को बनाने के लिए। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन लीजिए और इसमें डाल दीजिएगा यहाँ पर ऑयल। मैं यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से स्पून से यहाँ पर आपको बैटर डालना है और इसे फैलाते जाना है। देखिए, ज़्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं ना, इस तरीके से एकदम छोटे छोटे आपको यहाँ पर ऐसे बना लेने हैं। देखिए, आप इस नाश्ते की छोटी छोटी पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं, या फिर आप इसका चीला जैसे भी बना के इस नाश्ते का खा सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता हो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप इसे किसी मेहमान को भी सर्व कर सकते हैं। थोड़े से इसके ऊपर तेल डाल देंगे वाइट, जिससे नाश्ता देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब जब नाश्ता एक तरफ बढ़िया सा पक जाए यानी क्रिस्पी हो जाए, तब आप इसे पलट दीजिएगा।
तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने नाश्ते को एक साइड टर्न कर दिया है। आप इसे बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी होने तक नाश्ते को बढ़िया से फ्राई करना है और गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे आपको इस नाश्ते को फ्राई करना है। तो ये लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी वो भी क्रिस्पी सा नाश्ता, देखिए बढ़िया सा फ्राई हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर भी नाश्ते के ऊपर आ चुका है। तो बस इसे निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए बैटर का बिल्कुल ऐसे ही बना के तैयार करेंगे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म गेहूँ के आटे, प्याज, शिमला मिर्च का टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आपने देखा फ्रेंड इस वीडियो में कि इस नाश्ते को बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया बना है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो फ्रेंड आपको नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं ऐसी एक और भी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।